राहुल भाई, इससे पहले मेरा भी सेशन था यहाँ पे, मैं स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रही थी, तो मैंने कभी आज तक कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए को कभी भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए नहीं देखा। मैंने रिबन काटते बहुत लोगों को देखा है, लेकिन नेवर सीन अ सिंगल एमएलए और एमपी इन इंडिया कि वो कोई भी स्पोर्ट्स में का। हाँ, मैंने देखा बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, जाते फुटबॉल मैच खेल लिया, क्रिकेट मैच खेल लिया, दैट्स फाइन। बट अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपके स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर क्या थॉट्स होंगे? आप स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इंडिया में आपको लेके आना, तो आप क्या करेंगे उस चीज़ के लिए? नंबर वन। नंबर टू, मैं और मेरी वाइफ हमेशा बात करते कि राहुल भैया कब शादी करेंगे। मैंने बोला कि प्रधानमंत्री बन के शादी करके जाएंगे, तब कहते मजा ही अलग होता है, बारात लेके जाएंगे। बहुत पुराना क्वेश्चन है। नहीं, पर प्लीज उसका जवाब तो दे दीजिए प्लीज सर। सब लोग उसका वेट ही कर रहे हैं तब से लेके, हम भी सब लोग। मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ, जब होगी होगी। बट जो अच्छा जो आपने स्पोर्ट्स के बारे में बोला है सर, उसमें मैं तो इंक्लूडेड नहीं हूं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूं, रनिंग करता हूं, स्विमिंग करता हूं। मैं पता नहीं आपको आइकिडो का नाम आपने सुना है, उसमें मैं ब्लैक बेल्ट हूं। तो मैं करता रहता हूं। बस एक बात है, मैं पब्लिकली इन चीज़ों के बारे में नहीं बोलता, मगर मेरी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स काफ़ी ज़रूरी है, रहा है और रहेगा। नॉर्मली मैं एक घंटा स्पोर्ट्स कम से कम रोज़ करता हूँ। ये बात ज़रूर है कि पिछले 3-4 महीने के लिए मैंने नहीं किया है, बट उससे पहले पूरी ज़िंदगी मैंने कम से कम एक घंटा स्पोर्ट्स तो किया है। बट सर, उसका भी वीडियो डालिए कुछ, कोई भी एक्टिविटीज करते हुए, बिकॉज तब से ही तभी लोग उसको देखेंगे और उनको इंस्पिरेशन आ गया कि लग राहुल सर कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, राइट? तो वो भी बिकॉज पार्लियामेंट के सर, हम आपकी बॉक्सिंग रेसलिंग सब देखते हो, दैट्स फाइन, वो ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स करते वक्त भी एक दो वीडियो और डाल दे दो। ओके, डाल देंगे। आई विल पुट तो आपकी बॉक्सिंग